जमा करती है और मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। जैसे डेल्टा होते हैं ना, डेल्टा जैसे मान लो आप पानी ऊपर से आ रहा अपने साथ बहुत सारी मिट्टी उट्टी लेकर आती है, यहाँ पे सरफेस पे आने के बाद यहाँ पे मिट्टी जमा कर देती है, अब पानी इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, तो ये मिट्टी क्या हो जाती है, बाद में उपजाऊ हो जाती है। दैट्स व्हाई ईरान में अभी भी इतने सारी चीजें डेवलप हो चुके हैं। ज्योग्राफिकल रीजन इंपॉर्टेंट है। ऊपर जितने भी क्वेश्चन बताएं वो छोड़ के मत जाना पेपर में मेरे भाई, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में फंसेंगे ही पक्के 100%। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, प्राचीन मेसोपोटामिया की फरात नदी विश्व प्रसिद्ध व्यापार मार्ग थी। आप जानते हो जो फरात थे यहाँ पे क्या करते थे, सबसे ज्यादा व्यापार होता था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, ऊपर जैसे मैंने बताया उसी पैटर्न में लिखना मेरे भाई, एक सेकंड माइक्रो सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि ये आपके लिए भाई जीवन दया है और बहुत ही ज्यादा बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, समझे मेरे भाई। जय हिंद मेरे भाई, आप क्लास 11th में हो और अगर आपके टर्म 2 है तो मेरे भाई आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हिस्ट्री से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कौन कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे और कौन कौन से चैप्टर से एमसीक्यू बनेंगे। ये अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ब्लू प्रिंट में जो हिस्ट्री का ब्लू प्रिंट वाली जो वीडियोस है उसे आप जरूर देख लो। आज जो आपके लेखन कला शैली वाली में से जो कि आपका मेसोपोटामिया वाला मेन टॉपिक होता है कंटेंट के अंदर में, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके सामने दिख रहे हैं मेरे भाई, और जितना यहां से बता दूं इस क्वेश्चंस को भाई एकदम आराम से क्या कहते से मतलब हजार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके चले जाना, क्योंकि भाई इसके लॉन्ग क्वेश्चंस थोड़े से टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सारा चीज दिखा दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके का बनता है और कैसा बन सकता है। नहीं तो भाई ये यहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बन सकते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है मेरे भाई। देखो क्लास 11th में सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, क्वेश्चन ये है कि यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, कारण देकर मतलब कारण देना है, मतलब कारण बताना आपको, डिस्कस करना। तो एक क्वेश्चन यहां से आप ये हो गया, जो यूरोपीय लोग थे आप जानते हो यूरोप के लोग बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, तो वो उनका कहने का मतलब है जो यूरोपीय लोग हैं वो मेसोपोटामिया में ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं, ये आप इसका एक्सप्लेनेशन करके बताओ। तो इसका आंसर आपके सामने है और आंसर लिखने का लहजा जो है मेरे भाई आपको कुछ इसी तरीके का दिखाना है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको भैया सारा मेन फोकस होता है आपकी आंसर राइटिंग की। तो जैसे क्वेश्चन पूछा तो आप आंसर में दिखाओगे ऐसे, यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया को यहाँ पे निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण मानते थे। तो एक ये हो गया, जो आप उत्तर लिखते नहीं सबसे मेन पॉइंट ये डालोगे, क्योंकि क्वेश्चंस जिस बारे में है उस बारे में आपको लिखना भी पड़ेगा। तो मेरे भाई ये आपको यहाँ से बताना है कि यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया को निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण मानते थे। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से कारण थे। तो मेरे भाई सबसे पहला इसके अंदर में देखो, पहला आप चाहे तो यहाँ से आप इसको ना पॉइंट में भी बना सकते हो, कैसे पॉइंट में बना सकते हो, सबसे पहला देखो पुराने नियम में इनके बारे में उल्लेख है कि जो सीमर का उल्लेख करते हैं जिसका अर्थ है सुमेर ईंटों से निर्मित शहरों की भूमि, यह स्पष्ट रूप से मेसोपोटामिया को संदर्भित करता है, क्योंकि प्रारंभिक नियोजित शहर वहां के मौजूद थे। मेरे भाई नियोजित शहर मतलब जहां पे प्लानिंग टाउन थे उसके लिए वहां पे सबसे पहले मतलब कि नियोजित किया गया था। उसके बाद में जो दूसरा मेन पॉइंट है आपके सामने, तो यूरोपीय विद्वान और यात्री मेसोपोटामिया को अपनी पैतृक भूमि भी मानते थे। मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी एमसीक्यू या एसएससी एक नंबर में आ सकता है तो यूरोपीय विद्वान क्या थे, जो मेसोपोटामिया के मतलब अपने पैतृक मतलब कि पिता की भूमि मानते थे। कह रहा पुरातत्वित खोजों से यह भी पता चलता है कि यूरोपीय लोग को इस क्षेत्र में गहरी रुचि थी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है यूरोपीय लोग बहुत ही ज्यादा किसमें मेसोपोटामिया में इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि उनका सारा इंटरेस्ट वहीं पे था और वो सोचता था कि यहां से और क्या क्या चीज मिल जाए जो हम अपने देश में आराम से ले जा सके। समझ रहे हो मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा नदियाँ सभ्यता के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखना ये जो नदी है सभ्यता में मतलब मेन पॉइंट आप जानते हो वहाँ पे दो नदियाँ थी, कौन से यूफ्रेट से टिग्रिस वाली, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए कह रहा है यहाँ पे कि जो सभ्यता होती नदियाँ सभ्यता के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मेसोपोटामिया के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। मेरे भाई आप याद रखना, हिस्ट्री में ना अगर आपके क्वेश्चन आते हैं कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये मत सोचना कि बहुत ईजी तरह का क्वेश्चन होगा, ईजी क्वेश्चन होगा, लेकिन देखो क्या कह रहा है पुष्टि कीजिए, मतलब उसके बारे में बताइए, मतलब आपका अपना थॉट भी उसके अंदर में ऐड ऑन करना पड़ेगा, और ये हॉट क्वेश्चंस के अंदर में है। तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, और ये जितने भी आपके भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो प्लीज इसको करके जाना। तो आंसर देखो किस तरह के लिखा गया है, मेसोपोटामिया दो नदियों अर्थात यूफ्रेट्स और टिग्रिस की भूमि के बीच में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे कह रहा इन दोनों नदियों का उद्भव वर्तमान कहां पे है,
तुर्की है ना, तुर्की कहते उसे, अर्मेनिया पर्वत से हुआ है। इन्हें एक विशाल पर्वतीय क्षेत्र भी क्षेत्र को सुखा दिया। ध्यान रखना, यद्यपि इस क्षेत्र की जलवायु शुष्क है, तो एक नंबर के कभी आ जाए तो पूछा जा सकता है कि यहाँ की जो जलवायु है कैसी है, यहाँ पे शुष्क है। मेरे भाई आंसर बहुत ही बढ़िया है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और अगला देखो फिर से क्या कह रहा है, फिर भी सिंचाई सुविधाओं के कारण यहाँ पर कृषि संभव है। अनुकूल कृषि स्थिति ने लोगों को इस क्षेत्र में निवास करने के लिए प्रोत्साहित किया और फसलों के अधिशेष खाद उत्पादन ने कृषक समुदाय को उन लोगों जैसे शिल्पकारों, जैसे वहाँ पे जो भी किसी कृषि लोग होते थे, शिल्पकार हो गया, सैनिक हो गया, ये सारे लोग, पुजारी हो गया, यहाँ पे सैनिक हो गए, शासक हो गए, सैनिक आदि को खिलाने में सक्षम बनाया, जो कि कृषि नहीं कर रहे थे। खानाबदोश चरवाहा समुदाय इन लोगों को दैनिक उपयोग की, जो लोग वहाँ पे कृषि नहीं करते थे उसके लिए क्या था, जो वहाँ की समुदाय थी, खानाबदोश चरवाहे जो थे समुदाय, इन लोगों को दैनिक उपयोगों की अन्य आवश्यकताओं प्रदान करते थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जब मान लो कि वहाँ पे मेसोपोटामिया के अंदर में जो लोग कृषि नहीं करते थे वो क्या करते थे, जो वहाँ के चरवाहे होते थे वो उनको सपोर्ट करते थे। तो ये भी पॉइंट आपको एड ऑन करना है। इस प्रकार इस क्षेत्र में इन सभी के बसने से सभ्यता के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। और जानते हो एक समुदाय के अंदर में, एक कम्युनिटी के अंदर में डिफरेंट लोग रहेंगे, जब भी वो आगे बढ़ पाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन मेरे भाई आगे देखो, अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि इराक में मौजूदा भौगोलिक विविधता को दर्शाने के लिए कुछ तथ्य दीजिए। आप कह रहे हैं यहाँ पे अभी जो इराक है, इराक में मौजूदा जो भौगोलिक विविधता है उसको दर्शाने के लिए कुछ तथ्य दीजिए। इस तथ्य को बताना है कि इराक के अंदर में किस तरीके का अभी ज्योग्राफिकल रीजन है। तो आप सबसे पहला आंसर देखो, कह रहा है इराक में भौगोलिक विविधता इसका संवर्धन करने के कुछ तर्क निम्नलिखित हैं। ये पॉइंट तो आप तो हर जगह लिखना मेरे भाई, तो एक पॉइंट को याद रखना और उसके बाद जो सबसे अच्छे पॉइंट आप लिखोगे, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना, मैप भी एड ऑन कर देना, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, उत्तर है पूर्व क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है और ये साफ जलधाराओं वाली पर्वत श्रृंखलाओं से भी ढका हुआ है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपके सामने, जो पूरब का क्षेत्र है वो हरा भरा है और यहाँ पे साफ जलधाराओं द्वारा, मतलब कि पर्वत श्रृंखला जो है वो वहां पे क्या है, ढका हुआ है, समझे मेरे दोस्त। अगला देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और फसल उगाने के लिए पर्याप्त है, ध्यान सुनना। और उत्तरी क्षेत्र में ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है जिसे स्टेपी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस करते करते आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, दैट मीन्स कि एमसीक्यू भी यहीं से निकाल लो। जैसे आपने ऊपर देखा कितने सारे एमसीक्यू निकल सकते हैं, तो ये भी पूछा सकता है। स्टेपी घास का मैदान हमें पता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये उत्तरी क्षेत्र के ऊपरी भूमि को कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि भाई देखो छोटे मोटे पेपर तो है नहीं, ये आपके बड़े लेवल का एग्जाम्स है, इलेवंथ भाई देखो छोटी मोटी बात तो होती नहीं है, बट आपको यहाँ के अगर आपने आंसर राइटिंग बढ़िया लेवल कर दिया ना, अगर मैप आप ऑन करके या अंडरलाइन करके अच्छे लेवल में, मतलब कहते हैं ना बहुत बढ़िया एक्सीलेंट लेवल में, तो भाई आप अच्छे आंसर राइटिंग कर सकते हो और वहां से आप नंबर गेन कर सकते हो। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे मेरे भाई। उसके बाद जो है अगला कह रहा, पूरब में, मतलब यहां पे आपको चारों दिशाओं को डिफाइन करना था। जैसे यहां लो पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, यहां पे दक्षिण हो गया। आपने क्या करा, हर एक चीज को डिफाइन किया कि किस, जैसे कि ईरान में जो इसका ज्योग्राफिकल रीजन है कैसा है, कहां पे क्या चीज पाया जाता है, किस तरीके का रीजन है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब अगला हम देख रहे हैं पूरब में, पूरब में टिग्रिस नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है। तो एक नंबर का क्वेश्चन और भी पॉइंट आउट कर लेना कि यहां पे जो टिग्रिस नदी है वो कहां पे बहती है, पूरब में, और इसे जो ईरान के पर्वतीय क्षेत्र में संचार के मार्ग प्रदान करती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, मतलब गहराई में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, समझे मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पे मेसोपोटामिया के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के महत्वपूर्ण के संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, संक्षेप में लिखिए, मतलब इस तरह के, मतलब अपने हिसाब से डिस्कस करके बताइए। तो ये याद रखना, मेसोपोटामिया के दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के महत्वपूर्ण
के बारे में संक्षेप में बताना है, समझे मेरे भाई। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी ना, अगर आपने बढ़िया लेवल पे पढ़ी है एनसीईआरटी के अंदर में या सपोर्ट मटेरियल है उससे, तो मेरे भाई ये सारे आंसर्स आप लिख सकते हो। और याद रखना टू द पॉइंट आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो कह रहा मेसोपोटामिया का दक्षिणी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र रेगिस्तानी है, लेकिन यूफ्रेट्स जो है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ यहाँ के शहरी जीवन का एक समर्थन करती हैं। तो ये आंसर अगर आप लिख दोगे तो सोचो क्या आंसर बनेगा। अगर इसी पॉइंट को अच्छे से मॉडिफाई कर दोगे, यहीं पे एक रिवर दिखा दोगे ऐसे बनता हुआ, यहाँ पे रिवर दिखा दोगे ऐसे, एरो करके दिखा दोगे तो सोचो क्या आंसर दिखेगा जो कि आपके सामने दिख रहा है। मेसोपोटामिया का दक्षिणी क्षेत्र रेगिस्तानी है, तो आप रेगिस्तान बनाकर दिखा सकते हो, लेकिन यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ जो यहाँ के शहरी जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, और ये नदियाँ क्षेत्र में बाढ़ लाकर अपनी गाद जमा करती है और मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। जैसे डेल्टा होते ना, डेल्टा जैसे मान लो पानी ऊपर से आ रहा अपने साथ बहुत सारी मिट्टी उट्टी लेकर आती है, और यहाँ पे सरफेस पे आने के बाद यहाँ पे मिट्टी जमा कर देती है, अब पानी इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, तो ये मिट्टी क्या हो जाती है, बाद में उपजाऊ हो जाती है। दैट्स वाई ईरान में अभी भी इतने सारी चीज़ें डेवलप हो चुके हैं, ज्योग्राफिकल रीजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेसोपोटामिया का नाम यहाँ पे रखा जाता है मेरे दोस्त, समझे। तो प्लीज़ यार अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करना मेरे भाई। अब कंटिन्यूली वीडियो आएगी आपके पास में, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। जब यूफ्रेट्स नदी रेगिस्तान में प्रवेश करती है तो यह छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है, और यह नदी चैनल अतीत में सिंचाई के काम आती है, समझे मेरे भाई, क्योंकि उसी नदी से तो किसान लोग वहाँ सिंचाई करेंगे ना भाई, सिंचाई की सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ गेहूँ, जौ, मटर और मसूर जैसी फसलें उगाई जाती है, हालाँकि पर्याप्त वर्षों में मतलब वर्षा में नहीं होती। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, इसको भाई याद रखना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मेसोपोटामिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र क्या होता है, यहाँ के स्टेपी क्षेत्र में भेड़ बकरी राई जाड़ी ये सारी चीजें को मांस मतलब ये सारी चीजें को मिलती है। तो आपने समझा कि रीजन में मतलब कि आपको मेसोपोटामिया के जो रीजन है सबसे पहले डायरेक्शन उनको समझना होगा। अगर आपने डायरेक्शन सही से समझ लिया मेरे भाई तो डायरेक्शन में आप अच्छे से गेम बना दोगे, ये पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक भाई। यहाँ पे हो गया मछली भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और खजूर गर्मियों में फसल प्रदान करता था, फल इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेसोपोटामिया के क्षेत्र ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा हर एक चीज पाया जाता था। क्योंकि देखो यार वहां पे ना सबसे पहले सभ्यता शुरू हो गया था, लोग बसना रहना शुरू हो गया था, जो आज के लोगों के बेसिक लाइफ में चीजों की जरूरत, जैसे मान लो हम दाल रोटी आटा ये सारी चीजें खाते हैं, उसी तरीके से मेरे भाई वहां के लोग क्या जीवन सर्वाइव करते थे, उनके पास भी ऑप्शन था। मतलब टाइम पीरियड के साथ साथ सब चीजें चेंज होती जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेसोपोटामिया में शहरीकरण में व्यापार के विकास में मोहरों के उपयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चर्चा करना है। अब मेरे भाई चर्चा करना है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस जरूर करके चलो। यहाँ पे मेसोपोटामिया में शहरीकरण में व्यापार के विकास में मोहरों के उपयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब कि मेसोपोटामिया के जो शहरी जीवन था वहां पर जो डेवलपमेंट हुई वहां पर मोहरों ने क्या यहाँ पे भूमिका निभाई उसके बारे में आपको बताना है। वही सेम आंसर पैटर्न किस तरीके से लिखना है कि मेसोपोटामिया में अनेक मोहरों की खुदाई की गई और यह पत्थर के बने थे और आकार में बेलनाकार थे, तो एक नंबर का MCQ भी आ जाएगा। और इन मोहरों को, यह भी पॉइंट याद रखना, इन मोहरों को एक छड़ी से पीटा जाता था, याद रखना क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक छड़ी से फिट किया जाता था और फिर गीली मिट्टी पर लपेटा जाता था ताकि इन पर एक अखंड चित्र अंकित हो सके, और यह कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, जो मोहरे होते थे पहले मिट्टी को गीला करते थे, आप जानते हो जैसे वो शेप दोगे वैसे ही आ जाएगा, उस तरीके की सारी चीज़ें थी मेरे भाई। तो ये आप यहाँ पर देख लिया यहाँ पर किस तरीके था, और व्यापारियों द्वारा अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने, याद रखना भेजने के लिए मोहरों का उपयोग किया जाता था, और सामान को पहले पैक किया जाता था, और उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए पैक के शीर्ष पर मोहर या सील लगा दी जाती थी, ठीक भाई समझ रहे हो बात को, यहाँ पे या सील लगा दी जाती थी, यदि सीलों के साथ छेड़छाड़ पाई जाती तो वो इस मतलब कि रास्ते में पिछले चोरी की गई है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप लोग आजकल अमेजन से हम लोग कुछ भी सामान मंगाते हैं, अगर सील पैक नहीं होता तो हम क्या समझते हैं भाई कुछ गड़बड़ हुई, तो अब सोचो आज से
इतने सालों बाद वहाँ पे मेसोपोटामिया में लोग ये माइंडसेट रखते थे, जो आज आज करंट में सोचो आज 20वीं सदी में ऐसा चीज़ चल रहा है जो मेसोपोटामिया आज कितना 17वीं शताब्दी कितना पुराना है, किसवें से, मेरे भाई ये पॉइंट याद रखो, उस समय में लोग ये सोच सकते थे कि अगर आज मैं मोहरे मतलब सिल्क कर क्या था मोहरों को सबसे ज़्यादा इन्वेंशन वहाँ पे, क्योंकि मोहर ने ही सबसे ज़्यादा डेवलप किया, अगर कोई सामान आप कहीं से भेज रहे हो उसके अंदर कुछ छेड़खानी होगी, जितना अमाउंट आपके पास पहुँचना चाहिए तो वो नहीं पहुँचा, लेकिन वो लोगों ने क्या दिमाग लगाया भाई मोहरों का, अगर इसके साथ कुछ छेड़खानी हुई है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। सोचो उस जमाने में इतना लोग इंटेलिजेंट थे, आज देखो क्या है मेरे भाई, इसीलिए कह रहे हम लोग भी भैया कुछ चीज़ें होती ना यार नेचर में होता है जो हमें सीखनी चाहिए, तो प्लीज़ यार इसलिए बता रहा हूँ आपको आंसर राइटिंग अच्छे से करके आना, जिससे कि हम लोग भी आगे अच्छे लेवल पर काम कर सके, समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपके सामने है, प्राचीन मेसोपोटामिया की फरात नदी विश्व प्रसिद्ध व्यापार मार्ग थी, आप इसे किसे सूचित मतलब कि इसे उचित ठहराएंगे, मतलब आपको अपने भाषा में आंसर लिखना है बढ़िया तरीके से, कोई रट्टा फट्टा नहीं मारनी है, ये सारे के सारे हॉट क्वेश्चन हैं और ये भाई पेपर लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जितने भी क्वेश्चन बताएं वो छोड़ के मत जाना पेपर में मेरे भाई, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में फंसेंगे ही पक्के 100% क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो। प्राचीन मेसोपोटामिया की फरात नदी विश्व प्रसिद्ध व्यापार मार्ग थी, आप जानते हो जो फरात थे यहाँ पे क्या करते थे सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, तो इस तरह के क्वेश्चंस आंसर्स लिखने हैं, ऊपर जैसे मैंने बताया उसी पैटर्न में लिखना मेरे भाई, एक सेकंड माइक्रो सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि ये आपके लिए भाई जीवनदाय है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, समझे मेरे भाई। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आप लोग इतना सपोर्ट किए हो, ठीक है, बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार शेयर करना अपने दोस्त यार में, लाइक नहीं करते प्लीज़ यार लाइक करना। 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा एक उदाहरण की सहायता से समझाइए कि अनिवार्य श्रम से मंदिरों और महलों, क्या कह रहा है यहाँ पे, अनिवार्य श्रम से मंदिर महलों भवनों आदि का निर्माण कैसे संभव हुआ, मतलब इसके बारे में आपको बताना है। और एक पॉइंट याद रखना, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सब क्वेश्चन को आराम से इजीली तरीके से कर लो मेरे भाई, इसका जो आपको पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगा एसएस पाठशाला के, जैसे आप नोट्स में जाओगे नोट्स में यहाँ पे ग्रेड 11 या क्लास 11th के अंदर में ये सारे नोट्स आप क्वेश्चन पेपर मतलब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप चेकआउट कर लेना, ठीक मेरे भाई। क्वेश्चन हो गया 8वें नंबर का क्वेश्चन, देखो कह रहा चित्रात्मक लिपि प्रमुखता में कैसे आई, ये भी पॉइंट आपको बता दें, वहाँ पे चित्रात्मक लिपि जो था वो कैसे मेन हो गया वहाँ पे चित्र वाले, तो ये भी क्वेश्चन आपको करके जाना सुमेरियन अकेडियन वाला, ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ रहे हो मेरे भाई। ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेसोपोटामिया के प्राचीन नगर उर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये अपनी भाषा में बताना है, और भाई एनसीईआरटी के जितने भी नोट्स हैं वो जरूर करके जाना, क्योंकि वहाँ पे एनसीईआरटी में देखा जाए ना अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, ये भी पॉइंट है, क्योंकि देखो इसे एक्सप्लेन करने में क्या ना कि लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं किस तरह के आंसर लिखना है, बस आप टेंशन नहीं लेना, बस एक ही चीज करना ऐप डाउनलोड कर लेना और मेरे भाई वो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक मेरे भाई। और प्लीज यार रेटिंग जरूर कर देना। कौन से कारण बताते हैं कि उर एक आयोजित शहर था, तो अनियोजित शहर था, तो बताओ ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे पता चलेगा उर मारी ये सारे शहर थे ना, तो ये भी याद रखना आपको। और मेरे भाई याद रखना, अगर जब तक आप लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत अट्रैक्टिव नहीं बनाओगे तो जब तक बात नहीं बनेगी, समझे, ये कोई टेंथ नहीं है, आपने लिख दिया आंसर हो गया, बस एक ही चीज है मेरे भाई, ये है आपके सामने अपना जो भी है, अगर आप कोई ऑफलाइन आप तो 11th में तो बचा नहीं, 12th में कोई भी ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो मैनिटीज के अंदर में, तो मेरे भाई ये नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप कर देना, नहीं तो 98 वाले पे आप व्हाट्सअप कर देना, ये आपके अपने एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे पीडीएफ सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको क्या है कि सारी चीजें मिल जाएंगी, समझे मेरे भाई। तो बस एक ही पॉइंट है, प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त यार में शेयर करना, और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, प्लीज यार रिक्वेस्ट आप लोग से, कोई दिक्कत परेशानी हो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करके बताना, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।